देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निसान के अपकमिंग कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार के बारे में जिसका नाम है एक्सट्रेल। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इस कार को 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेचा जाता है और इसका 5 सीटर वेरिएंट इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जब ये कार इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो इसका मुकाबला टाटा की हैरियर के साथ रहेगा। इसके अलावा ये कम्पीट करेगी MG हेक्टर के साथ। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इस कार की लेंथ है 4681 mm की, जो कि टाटा हैरियर के मुकाबले 83 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी विड्थ 1840 mm की है, जो कि हैरियर के मुकाबले 54 mm कम है। इसके अलावा इसकी हाइट 1730 mm की है, जो कि टाटा हैरियर के मुकाबले 24 mm ज्यादा है। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में और हाइट के मामले में ये कार टाटा हैरियर से थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन टाटा हैरियर की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू निसान की एक्सट्रेल। तो यहाँ पर डायमेंशन भी आपके सामने है। वही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस कार के अंदर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दिया जाता है। जैसे कि इसके अंदर 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि लगभग 169 bhp की पावर आउटपुट और 233 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन टाटा हैरियर के अंदर सिर्फ एक इंजन ऑप्शन दिया जाता है, 2.0 लीटर डीजल इंजन, जो कि लगभग 167 bhp की पावर आउटपुट निकाल पाता है। तो यहाँ पर टाटा हैरियर का डीजल मॉडल और निसान एक्सट्रेल का पेट्रोल मॉडल लगभग सेम पावर आउटपुट जनरेट कर पाता है। वही अगर मैं इसके एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफी तक कमाल का है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन मॉडल। जो फोर्थ जनरेशन मॉडल है इसके अंदर काफी चेंजेस करे गए हैं फ्रंट फेशिया में भी और रियर के फेशिया में भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, निसान की जितने भी कारें हैं ग्लोबल मार्केट में उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पाथफाइंडर हो, चाहे वो एक्सटेरा हो, चाहे वो एक्सट्रेल हो, काफी ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा फ्रंट फेशिया में भी और रियर के फेशिया में भी, जिसकी मदद से निसान की ये कारें बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। अगर मैं इसके फ्रंट फेशिया की बात करूं तो इसके फ्रंट में आपको वी शेप में एक क्रोम बार देखने को मिल जाएगा ग्रिल के सराउंडिंग में, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है और इसके ग्रिल्स पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आ जाते हैं। लाइटिंग सेटअप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको LED DRL मिलेगा, लेकिन इसका जो LED DRL है वो काफी ज्यादा ब्रॉडर है, मतलब इसका जो शेप है वो थोड़ा सा ब्रॉडर रखा गया है, ये भी दिखने में काफी तक कमाल का लगता है। और इसके अंदर आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी मिलेगा, हालांकि इसका जो हेडलाइट का सेटअप है वो आपको एयरडैम के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रंट बम्पर के ऊपर सिल्वर स्कीड प्लेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। वही अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड प्रोफाइल आप इसका देख सकते हैं, साइड से भी ये दिखने में काफी तक कमाल की लगती है। 17 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स इस कार के अंदर दिए जाते हैं, तो इसका साइड प्रोफाइल भी काफी तक कमाल का है। लेकिन इसका जो रियर का फेशिया है ये भी दिखने में काफी तक जबरदस्त है। स्प्लिट LED टेललाइट का डिजाइन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, रूफ माउंटेड स्पॉइलर, रियर वाइपर, इसके अलावा शार्क फिन एंटीना भी इसके अंदर दिया जाता है। और इसके जो रियर के बंपर्स है वो काफी ज्यादा बड़े है, आपको ड्यूल टोन कलर के साथ इसके रियर के बंपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल इसके एक्सटर लुक की बात करूं तो मुझे तो इसका एक्सटर लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इस कार का रोड प्रेजेंस भी काफी तक कमाल का है। वही अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर काफी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स के ऊपर, अपोल्स्ट्री, इसके अलावा आर्मरेस्ट के ऊपर, तो इसके अंदर आपको काफी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल भी देखने को मिल जाएगा। वही इसके अंदर काफी बड़ा आर्मरेस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है और गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा कंफर्ट भी देगा ड्राइवर को। इसके अलावा इसके जो सीट्स रहेंगे ये काफी हद तक कंफर्टेबल है, आप स्क्रीन के ऊपर इसके सीट का डिजाइन भी देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके तहत बहुत सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर पाओगे और इस कार के अंदर कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी दी जाती है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया हुआ है, जिसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा। वही इस कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग भी मिल जाएगी और बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है इस कार के अंदर। और इसके इंटीरियर में काफी जगह पर आपको क्रोम फिनिशिंग और पियानो ब्लैक की ट्रीटमेंट भी मिल जाएगी। तो ये था इसका इंटीरियर, इंटीरियर भी कमाल का है और एक्सटीरियर लुक भी काफी तक जबरदस्त है। रही बात लॉन्चिंग की तो निसान कंपनी इस कार को अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस कार को जनवरी 2022 तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से निसान कंपनी इस कार को फेब या फिर मार्च के महीने में इंडिया में रिवील करेगी, उसके बाद इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। रही बात कीमत की तो टाटा हैरियर की कीमत 14.39 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, वही MG हेक्टर की प्राइस 13.49 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो कीमत रहेगी वो 15-16 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 20 या फिर 22 लाख रुपए तक चला जा सकता है, क्योंकि इस कार के अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, तो डेफिनेटली इसकी कीमत भी थोड़ी से ज्यादा रह सकती है। अगर निसान कंपनी इस कार को कम कीमत के साथ इंडियन मार्केट में
उतार दी है तो डेफिनेटली ये तबाही मचाने वाली है। टाटा की हैरियर, एमजी की हेक्टर या फिर निसान की एक्स-ट्रेल, इन तीनों में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।